बागली के सरकारी अस्पताल में एक्सरे मशीन व सोनोग्राफी मशीन न होने के कारण लगातार ग्रामीणों के लोगों को उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ रहा है। बागली नगर में सुविधा नहीं होने के कारण लोग लगातार असुविधा का सामना कर रहे हैं। आम नागरिकों ने अपील की कि नगर में जल्द से जल्द सुविधाएं शुरू की जाना चाहिए। प्रयास मेरे अभी भी यहाँ की बीएमओ मैडम विके जी से बात हुई, एसडीएम साहब से भी बोला है जी, बहुत जल्दी या तो प्राइवेट कहीं ना कहीं जो भी व्यवस्था है उसके माध्यम से गरीबों की सोनोग्राफी होगी, चाहे वो डिलीवरी वाली भाई हो चाहे पुलिस जी। आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, बागली नगर की जनता ये चाहती है। बहुत दिन से कर रखी है पर ये लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब लोग, सोनोग्राफी लोगों को लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है इस कारण। नहीं नहीं, मैं बहुत जल्दी आज अभी यहाँ से जाने के बाद फिर एसडीएम साहब और हॉस्पिटल वालों से मीटिंग लेके हालांकि लिखा पड़ी मैंने कर रखी। बोले बागली नगर की जनता आपको लाइव देख रही है साहब, कितने दिन में आप ये करवा देंगे सुविधा? भैया अभी यहाँ लोकल जो प्राइवेट जो चला रहे हैं सोनोग्राफी मशीन जी, उनसे शासन के रेट से उनको रेट का पूर्ति नहीं हो पा रही है जी। इस वजह से नहीं तो शासन से मैंने आदेश करवा दिया जी, कि वो अभी जब तक गवर्नमेंट की सोनोग्राफी मशीन और डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप प्राइवेट करवाइए, उसका बिल मध्य प्रदेश सरकार देगी, लेकिन किसी कारण से वो रेट में कुछ कमी है, इस वजह से अभी प्राइवेट जो डॉक्टर और व्यवस्था है उसमें आज मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही करवाने की कोशिश करता हूँ। सहयोग बनाए रखें नगर बागली पे, और स्वास्थ्य विभाग की असुविधा जो है, मैडम भी लगातार हमारे फोन नहीं उठाती है, काम नहीं करती है बीएमओ मैडम, क्या है यहाँ स्टाफ की कुछ कमी है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। कोशिश करता हूँ मैं स्टाफ बढ़वाने के लिए, मैंने पहले भी पत्र लिखा है। आप हमारे जनप्रतिनिधि, हम आपको ही बोल सकते हैं। अभी डॉक्टर हेमंत भी बाहर अटैच था, उसको मैंने जैसे ही सरकार हमारी शिवराज जी की सरकार बनी कि दूसरे दिन ही कार्रवाई करके मैंने बुलवा लिया। इसी तरीके से और भी हमारे एक दो डॉक्टर बाहर हैं, वो आ जाएंगे तो ये समस्या जरूर, और जो काम नहीं करेंगे उनके ऊपर शिकंजा कसूंगा। जल्द से जल्द आप कार्रवाई करें साहब, हो जाएगी कार्रवाई।